ये एक ऐसा आया जिसमें एक ग्रैंड एक फीलिंग आई है, और इसके सेटिंग, इसके कैरेक्टर्स, इसकी कास्ट, ओवरऑल इसके डायरेक्शन, मज़ा आया देख के. यू नो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम हैप्पी दैट दे हैव पुट इन दिस काइंड ऑफ एफर्ट, बिकॉज थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि वो थोड़ी सुस्ती की तरफ चले गए थे प्रोडक्शन में ना. इट्स नाइस टू सी दैट दे हैव कम बैक विद समथिंग सो विजुअली अपीलिंग. तो एंड ऑल्सो ओवरऑल आई थिंक के कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, एक ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, एंड स्टोरी बड़ी मज़े की है. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. आप चाहते आप देखना चाहते हैं कि यार आगे क्या, यू नो इट्स इंगेजिंग कि यार ये एक शख्स है, ये इतना दुखी क्यों है, इसकी बैक स्टोरी क्या है. तो ये दो एपिसोड की इंट्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी, बिकॉज इट रियली वॉन्ट्स यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तो आई एम रियली हैप्पी विद द इनिशियल टू एपिसोड्स. यू वॉन्ट टू नो मोर. अच्छा, इसमें जो ट्राइंगल्स हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है. देखिए दो पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं. एक तो है ना वो लव ट्राइंगल टाइप जो चल रहा है, जो माया का है एंड उस्मान का, उसामा एंड माया एंड अमार, यू नो कि ये दो सहेलियों में क्या होगा बीच में. ओवरऑल कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा. आई लाइक द फैक्ट दैट जो मोहम्मद अहमद साहब ने जो काम किया है इसमें एज हिज राइट हैंड और मैनेजर और वट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा. ये मैं बार बार कहती हूँ कि गुड राइटिंग इज़ वैन यू डोंट फील सपोर्ट कैरेक्टर्स आर सपोर्ट एनी मोर. एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले, दैट्स गुड राइटिंग. जैसे जर्द पत्तों के बन में एवरीबडी इज़ अ रोल टू प्ले, दैट्स गुड राइटिंग. ऐसे इंटेलिजेंट राइटिंग, ये नहीं कि जी आप एक साइड कैरेक्टर कर रहे हैं सपोर्ट. सो मोहम्मद अहमद हैज़ गॉट सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दैट ही इज़ डिवेलप्ड इन दिस, एंड उनका जो रिलेशनशिप है विद वहाज इन इट, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे. वो एक सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो गाड़ी में बेटी का पूछता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि आप पीते वक्त मेरी बेटी का नाम ना लें, यू नो. तो दैट वाज अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग टच. अच्छा, दूसरा ये कि मोहम्मद अहमद कैरेक्टर इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वो जो थ्रू आउट एक टच चल रहा है ना कि ही डजंट लाइक दिस ड्रिंकिंग एंड हिज एटीट्यूड, एंड बेटी ने भी ये सीखा हुआ है लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा, नहीं चाहता कि बेटी इसके लिए काम करे. एक्चुअली ही लाइक्स द डॉटर ऑल्सो, वो पता नहीं इनको पता है कि नहीं अभी फिलहाल. सो आई थिंक राइटिंग वाइज देयर सर्टेन थिंग्स दैट कीप यू एंगेज, जो आगे जाके डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो सकती है. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि नॉर्मली हमारे यहाँ जो मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, जो हीरो होता है, हमने विलन्स को शराब पीते अपने ड्रामों में देखा हुआ है. इसमें एक हीरो है जो कि जिसकी ड्रिंकिंग हैबिट है, इज अ प्ले बॉय, क्योंकि पहली दफ़ा जो लड़की उसके साथ होती है दूसरी जिसको कॉल करते हैं कोई और अलग है, वो अलग है. अब राइटर उसकी तरफ एक आम ऑडियंस की वो कैसे लेके जाएगा कि ये इस इंसान को पसंद कर रहा है. नॉर्मली हमने ऐसे इंसानों को सिर्फ विलन देखा है जी, वो मूना डार्लिंग बैठ जो यहाँ पे मूना डार्लिंग. नहीं, लेकिन आप देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइटर इज मेकिंग अ देवदास राइट नाउ. हां, वो पीते 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 वहाँ पे वो, तो ये वो बन रहा है, ये विलन नहीं. तो आगे जाके शायद ये ट्रेजिक एंडिंग होगी या फिर शायद ये सुधर जाएगा. मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया पे आज से 20 साल पहले हम नहीं शायद सोच सकते थे, हम दिखा नहीं सकते थे, दिखा नहीं सकते थे इस तरह का कोई कैरेक्टर. तो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है कि एक नई चीज हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं हमारे यहाँ मौजूद हो जिनको नहीं और होने चाहिए. देखिए, हम जब ड्रामे की बात करते हैं तो ड्रामा एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है. बिल्कुल, और है. हाँ, तो मेरा मतलब है कि आप ऐसी चीज़ दिखाएं जो एग्जिस्ट करती हैं. आप जब डिनायल में चले जाते हैं तो आप एक्चुअल रिफ्लेक्शन अपनी सोसाइटी के नहीं दिखा रहे होते. ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, यू नो. एनी वे, सो करंटली राइट नाउ बेस्ड ऑन दिस टू एपिसोड आई विल गिव इट एन 8. तो मेहनत तो है, नज़र आ रही है. छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जैसे आई थिंक के डायरेक्टर ने वाहज से ये ओवरली ड्रंकन स्टेट बहुत ज़्यादा करवाया है. लाइक कहीं तो थोड़ा सा हल्का सा सोबर एलिमेंट आना चाहिए था. वाहज इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, ही कुड हैव कैरीड इट अ लिटिल मोर सटली आई थिंक, यू नो. तो ज़रा ओवर द टॉप लगा मुझे. यस, ही इज़ गॉट एन अल्कोहल प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये अल्कोहलिक है. लेकिन एल्कोहलिक्स में भी सोबर मोमेंट्स होते हैं ना, ये नहीं कि थ्रू आउट ही सुबह उठते साथ ही पी रहा है, ये तो जिंदा ना होता. बिल्कुल, अगर इतना पी रहा होता तो अभी तो लिवर सिरोसिस से मर चुका होता द वे ही इज़ ड्रिंकिंग. और इतना वो यानी कि वो आपकी शक्ल, आपके जिस्म सब कुछ चेंज हो जाता है, ब्लोट हो जाते हैं आपके, फिर तो इनको पफीनेस होती है, आपके आँखें लाल होती हैं आपके, फिर तो अगर तो ये करना था तो
ओवरऑल उधर चले जाते हैं उसके साथ ना कि फिजिकली भी हाउ डिस्टॉर्टेड ही लुक्स, लेकिन दे डिडंट गो देयर. स्टाइलिंग भी है, सूट भी बड़ा अच्छा है, लुक ओवरऑल लुक भी बड़ी ग्रूम्ड है, तो इतनी ग्रूमिंग नहीं होती जब यू ड्रंक, यू वेरी डिशेवल्ड. नेक्स्ट जब आपको हैंगओवर हुआ बहुत है, आप बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, यू कैन नॉट इवन नहीं, और प्रोसेस आपको डाउनर आया बहुत है, आपकी शक्ल नजर आता है लाइक यू नो कि ये क्या चीज हो रही है. सो बट आई थिंक ओवरऑल बोल्ड, अ लॉट ऑफ बोल्ड थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस. जैसे यू आर शोइंग अल्कोहलिज्म का एक आप दिखा रहे हैं, कि दूसरा आप दिखा रहे हैं ये जो प्ले बॉय टाइप एक एलिमेंट आप दिखा रहे हैं, तो काफ़ी बोल्ड चीज़ें डाली गई हैं इसमें, विच इज़ अनयूजुअल फॉर आर ड्रामा, है ना. मेहनत अच्छी, लाइट इज़ लवली, फ्रेम्स आर ब्यूटिफुल, ओवरऑल एम्बियंस बहुत अच्छा है. एंड आई फील कि आई थिंक फॉर द फर्स्ट टू एपिसोड्स फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन सो फार आई वुड डेफिनेटली गिव डायरेक्शन अ 7. 7, वेरी गुड जॉब नादिया. डायरेक्शन बहुत कमाल, अभी हमने इतने कैरेक्टर्स खोल दिए हैं ना, तो इतना एज सच ओवरऑल नहीं समझ अभी, आई थिंक और काम देखना पड़ेगा माया का आगे जाके टू गिव अ प्रॉपर असेसमेंट, बिकॉज यहाँ पे सबा एंड हर सीन्स वर वेरी गुड. आई मीन बिसाइड्स द डायलॉग, बट द एक्सप्रेशन एंड द परफॉर्मेंस वाज वेरी, द बॉन्डिंग एंड ऑफ कोर्स जब आप सबा हमीद के सामने खड़े होते हैं तो आपको जिगर की ज़रूरत होती है, बिकॉज यू गॉट दिस आइकॉनिक एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू. तो आई एम एंजॉइंग माया इन दिस, आई एम एंजॉइंग हर एज लाइक शी इज़ नॉट मिसकास्ट, लेट्स पुट इट दैट वे. बहुत से ड्रामे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये इन्होंने गलत कास्टिंग कर दी है, ये लड़की माया इज़ वेल कास्ट इन दिस ड्रामा. सो आई थिंक फॉर नाउ आई विल गिव हर 7. 7, वेरी गुड जॉब नादिया. अच्छा एक और बच्ची भी है इसमें जो जान निसार में बड़ी बिजी रहती थी, मैडम जुनैरा की बेबी, वो बेबी यहाँ भी है. बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, या तो बिल्कुल ही ये अल्कोहलिक बन जाता और अपना एक लुक एंड फील एंड अनटाइडी टाइप ऑफ रिच बट अनटाइडी, देखें इट डजंट मीन यू अनटाइडी और पुअर, है ना, कि बस व्हाटएवर शर्ट निकली हुई टाई खुली व्हाटएवर, ही इज़ लुकिंग टू स्टाइलाइज्ड फॉर समबडी हू सो ड्रंक ऑल द टाइम. एंड दूसरा ये कि ट्राइंग टू हार्ड टू मेक अस बिलीव कि ही इज़ अ ड्रंक. बाकियों के मुझे काम ज़्यादा अच्छे लगे एज कम इन कंपैरिजन, लाइक अहमद्स वर्क, सबाज़ वर्क, मायाज, अमर्स वर्क, लेकिन आई थिंक वहाज हैज़ टेकन इट टू, क्योंकि उन्होंने गेटअप नहीं किया या कुछ ऐसे कोई मसला है, तो उन्होंने एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की है, विच इज़ लुकिंग फर्स्ट नाउ, यू नो. एंड ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, ही इज़ अ फाइन आर्टिस्ट और मेहनत बहुत करता है. मे बी ही इज़ अ गुड थ्रेशहोल्ड. नहीं बट हिज अल्कोहल के बारे में तो उसको नहीं, थ्रेशोल्ड की तो अलग कहानी होती है. अगर आपका थ्रेशोल्ड अच्छा होता है तो फिर आप फिर तो शो ही नहीं करेगा, भी चल सकते हैं तो शो भी नहीं करेगा फिर. अच्छा दूसरा आई थिंक इफ आई वाज इन वहाज़ प्लेस डूइंग दिस कैरेक्टर व्हाट आई वुड हैव डन विद इट, आई कैन ओनली शेयर माय फीलिंग्स. आई वुड हैव डिसाइडेड कि मैं इसको एक हेजिटेंट ड्रंक की तरह करूंगी, कि लोगों के सामने एक मैं कोशिश भी करूंगी कि मैं तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही हो जाता, नॉर्मल हो जाता, नहीं लाइक कोशिश में तो रहता ना कि बिल्कुल यहाँ तो वो ऐसे भी जा रहा है, यार और होता है लोग बढ़ा रहा है, हिप फ्लास्क हाथ में कॉन्स्टेंटली होता है, लोगों के सामने पी भी रहा है. ही शुड हैव बीन अ हेजिटेंट शाय ड्रंक एंड ओनली इन लाइक व्हेन ही इज इन सीन्स विद हिज मैनेजर और हिज सेक्रेटरी व्हाटएवर मोहम्मद अहमद इज इन दिस, ही शुड एक्सपोज दैट ही इज अ ड्रंक, यानी कि गाड़ी में पी रहा है उनके साथ, ठीक है उनके साथ एक वो होना चाहिए कि भी इनके सामने मैं बोतलें भी रख सकता, लेकिन ये तो हर जगह पी भी रहा है और लुढ़क भी रहा है और डिशेवल्ड भी नहीं लग रहा है लोग, है ना. सो आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन इन हाउ ही इज आइडेंटिफाइड हाउ टू प्ले द कैरेक्टर. आई वुड हैव डिसाइडेड एज एन एक्टर कि या तो मैं यहाँ चली जाऊँगी या वहाँ चली जाऊँगी, तो अगर ये इन्होंने किया देन ही शुड हैव गॉन ऑल द वे, you know, अभी स्टाइल भी रखना है, अनटाइडी होना चाहिए था, like a proper drunk then, stylized drunk but a drunk, you know, and I think you should have played it as a shy drunk, not as a I don't care, I'm showing the world I have a hip flask and I'm going to drink, you know, वो ऐसे करते हैं ना जैसे लोगों के सामने थोड़ा रख रहा है, you know, तो I don't know, there's a little bit of confusion in what he's doing as an actor in this right now for me personally. So I would give him a 6. 6. Nadia. एक हिस्टोरिकल सीन बताती हूँ जो एक एक्टर ने किया, नशा किया, नशा करने के बाद बिल्कुल हाल बुरे,
जब स्टेज पे गई, जो उसने वॉक की, तो दुनिया ने तालियां बजाई मूवी फैशन में, कंगना का शॉट याद है सबको? बिल्कुल। नशा करने के बाद उस औरत की ये हाल थी कि भाई क्या वॉक, बेस्ट परफॉर्मेंस, इन कंट्रोल, और ये, और कोई पता भी नहीं सकता कि इससे पहले वो नशा करके फुल अपना आई हुई है। बहाज का ये कैरेक्टर बहुत मुश्किल है, और लेकिन ये है कि एक ड्रीम रोल है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि एक तो इस ड्रामे में फोकस इसके ऊपर होगा जो लास्ट एक दो ड्रामों में नहीं हुआ। ही हैड टू शेयर द स्क्रीन विद द फीमेल मोर पावरफुल कैरेक्टर, फिर भी वो एक थरक नहीं नजर आ रही। फासले भी हैं, फासले भी ना, वो यानी कि इतना आके बाल ही ऐसे कर देता लड़की के, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, मैं समझ गया। वो एक कैरेक्टर का होता है ना कि आप एक डेवलप करते हैं कैरेक्टर। ही इज गॉट एन इंटरेस्ट इन दीज गर्ल्स, दे कम एंड गो राइट, लेकिन थोड़ा सा साथ आके कुछ आंखों में आंखें करके कुछ बोल देता या कुछ ऐसे जेस्चर कर लेता, मतलब होना चाहिए था। हाँ, वो दोस थिंग्स वर आल्सो मिसिंग ना, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बहुत डिस्टेंस था। आई थॉट कि बहुत चीजें मिसिंग थी, बिकॉज़ आई फील बहाज इज राइट नाउ ट्राइंग टू बिहेव लाइक हीरो एंड नॉट द कैरेक्टर, नॉट बिलाल अब्दुल्ला। या ही शुड हैव गॉन मोर जो राइटिंग में समझ बिलाल अब्दुल्ला का आ रहा है, वो इंसान 24 घंटे शराब पीता है, उसकी उसे हद गुजरती हुई लड़की पे वो देखता है, वो कहता है परफेक्ट लड़की है, नहीं, वो स्लीजी है, वो हाँ, हाँ। देखें, मुझे ये कैरेक्टर समझ आए, दिस मैन इज इन पेन, ओके, ये अपना जो दुख और दर्द है ये शराब में डुबा रहा है, ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर थोड़ा सा आप, या तो वो इस लाइन पे आप जा रहे हैं, फिर वो भी एक तरीका होता है, या फिर होता है कि अब नाउ ही इज गिवन अप एंड ही बिकम्स लाइक अ लश एंड अ टर्की एंड अ कि व्हाटएवर। दो ट्रैक्स होते हैं ऑफ कैरेक्टर्स हु हैव गॉन इनटू एडिक्शन। ये एक एडिक्शन होती है ना, अल्कोहलिज्म एडिक्शन है, तो अगर तो वो एडिक्शन में चला गया तो दो ट्रैक्स होते हैं, वो सही नहीं। हाँ, ये बड़ा एक है कि दोनों तरफ जा सकता है, या तो वो नेचर वाइज स्लीज है या वो पेन में ऐसे, और उसका रीजन बताना चाहिए पहले या मैक्सिमम दूसरे के। अगर वो पेन में, आपने जो बात मेंशन की वो पेन में है, तो फिर वो नहीं लड़की के बाल ऐसे करेगा ना, वो तो उसको नहीं, तो वो मैं यही कह रही हूं ना, बट देयर इज अ वे टू डू इट ना। देखो मुकरम अयाश सिखाना चाह रहे हैं उसको, अयाश या पेन वाला बंदा अयाश नहीं होगा, अपने जो अपने लड़कियां नहीं नहीं अयाश की भी बात नहीं होती। देखें, हर किस्म की एडिक्शंस होती हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं ना तो हर किस्म की एडिक्शंस होती हैं, एक लिस्ट लंबी सी, उसमें ये फिजिकल रिलेशनशिप्स भी आती हैं, तो वहाँ भी हम नहीं जा रहे। इवन द वेमन आर अ रिलीज फॉर हिम ना, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर शो ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हियर बेसिकली। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल कैरेक्टर है। तो जी, इसी बात नहीं है, ऑडियंस क्या कह रही है अपनी वोटिंग से। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,700 हुए हैं, और वहाज अली के हिस्से में आए 2,688, 10% बनते हैं।